उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में हर कोई अपने आप को बाजीगर साबित करने में लगा हुआ है। तमाम दलों की कोशिश है कि हर वर्ग के वोटरों को अपने पाले में किया जा सके, ताकि 2022 में इसका सियासी लाभ मिल सके। लेकिन कहते हैं ना कि आपको फल भी आपके कर्मों के अनुसार मिलता है, ठीक ऐसा ही हो रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश का ब्राह्मण समाज बीजेपी से इतना नाराज है कि वो दोबारा बाबा योगी को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता है। यही वजह है कि आज के समय में ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ब्राह्मणों का संकल्प अखिलेश ही विकल्प। जाहिर है जिस तरह से पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान जातीय भेदभाव हुआ है, उसका सबसे ज्यादा शिकार प्रदेश का ब्राह्मण समाज ही हुआ है। यही वजह है कि आज ब्राह्मण बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। तभी तो अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर उनका सही सम्मान कोई दिला सकता है तो वो है अखिलेश यादव। इसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण लखनऊ में देखने को मिला। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन उससे पहले भगवान परशुराम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, भगवान परशुराम को नमन किया और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहीं भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, जय जय श्री परशुराम हो, सर्व शुभम कल्याण हो। गौरतलब है कि आज प्रदेश का हर समाज अखिलेश की तरफ बड़े ही उम्मीद के साथ देख रहा है। खासकर अगर ब्राह्मणों की बात करें तो जिस तरह से योगी राज में ब्राह्मणों को दबाया गया है, शायद ही इससे पहले इतना शोषण ब्राह्मणों का पहले कभी नहीं हुआ है। बहरहाल प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण हैं, जो कि चुनाव में काफ़ी अहम है। कई सीटों पर तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये अपने दम पर चुनाव परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं। वैसे भी ब्राह्मण वोटरों की अगर बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी रहे हैं। साल 2012 के चुनाव में ब्राह्मणों ने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को वोट किया था। यही वजह थी कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना ली थी। और इस बार जो हालात दिख रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो ब्राह्मणों ने ये ठान लिया हो कि बहुत हुआ बीजेपी का अत्याचार, अब की बार अखिलेश सरकार। खैर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, उससे ब्राह्मण वोटर्स भी समझ गए हैं कि उन्होंने बीजेपी पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। पहले तो धर्म के नाम पर लोगों का वोट हासिल किया, फिर सत्ता में आने के बाद उसी धर्म की आड़ में ब्राह्मणों का दोहन किया। बहरहाल इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के बाबा सीएम योगी की विदाई निश्चित है। शायद यही वजह है कि जिस तरह से अखिलेश की रैलियों और रथ यात्रा में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे इस ठंड में भी बीजेपी का पारा हाई कर दिया है। और जिस तरह से ब्राह्मणों का अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है, उससे सीएम योगी को अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। खैर जो भी हो, लेकिन इस बार ब्राह्मणों ने है ठाना साइकिल को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक है पहुंचाना।